डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 कवर की। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4, और ये एक्सरसाइज 1.4 भी सीक्वेंस से ही रिलेटेड है। और हमें ये पता है कि जब भी सीक्वेंस के प्रॉब्लम्स या सीक्वेंस के की लिमिट हम सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे लिमिट हम अप्लाई करते हैं इन्फिनिटी। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, या फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस किसे कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहा जाता है? अ सीक्वेंस सीक्वेंस ए एन is said to be convergent on a real number L if a positive number epsilon belong with the real positive number. There exist an integer n naught belong with the नेचुरल नंबर। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्चुअली उस सीक्वेंस को कहा जाता है जब हम नेचुरल नंबर अप्लाई करते हैं किसी भी सीक्वेंस पे, और वो अप्रोच करे किसी नंबर को, किसी कांस्टेंट नंबर को अप्रोच करे या नियर बाय दैट नंबर हो, तो हम उसे कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस को ग्राफिकली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती क्या है। जैसे लेट सपोज हमारे पास ये वो नंबर है, कांस्टेंट नंबर L, यहाँ पे वो नंबर है, हमने एक L लाइन ड्रा की। अब हम किसी भी फंक्शन में, लेट सपोज हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n, एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में हम नेचुरल नंबर अप्लाई करें, नेचुरल नंबर हमारे पास है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये नंबर जब हम अप्लाई करें तो हमारे पास जो सीक्वेंस बने वो इस कांस्टेंट नंबर को अप्रोच करे, नियर टू दिस नंबर हो लेकिन मीट नहीं करे, तो उस पॉइंट को उसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। और ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो ऑलवेज किसी नंबर को अप्रोच करती है, इंफिनिटी को अप्रोच नहीं करती। जहां पे हमने कोई एक नंबर, कांस्टेंट नंबर रखा और ये बिलोंग करता है रियल नंबर से, अगर हम नेचुरल नंबर अप्लाई करते रहे इस सीक्वेंस में, और नेचुरल नंबर अप्लाई करते करते जो हमें आंसर मिले वो आंसर नियर टू दिस नंबर हो, तो हम उस फंक्शन को या उस सीक्वेंस को कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब हम यहाँ पे n की जगह पे अगर 1 लिखें, a1 -1 पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो हमें आंसर मिलेगा 1। और अगर मैं 2 अप्लाई करता हूं तो आंसर मिलता है -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2, और यहां पे -1 अपॉन 2। और a अगर n की जगह पे मैं 3 अप्लाई करता हूं तो यहां पे -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3, तो यहां पे आंसर मुझे मिलेगा 1 अपॉन 3। तो ये जो सीक्वेंस बनी 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, -1 अपॉन 4 एंड सो ऑन,
ये जो सीक्वेंस बनी है इस सीक्वेंस को हम कहेंगे कन्वर्जेंट। अब यहां से हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्चुअली है क्या। अब देखिए यहां पे हमारे पास वन है, अगर मैं यहां पे इसे कंसीडर नहीं करूं, नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करूं, तो हमारे पास सीक्वेंस बनती है वन वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री वन अपॉन फोर एंड सो ऑन। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जब मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूंगा तो वो कम होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूंगा तो वो कम होगा। तो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर हम फॉलोइंग टर्म्स को देखें तो वो डिफरेंस क्या हो रहा है, वो डिफरेंस कम हो रहा है। जब किसी सीक्वेंस में डिफरेंस कम होता है तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जैसे वन है, वन अपान टू है, वन अपान फोर है, वन अपान एट एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये भी हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब जब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम इजीली उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पे कि अगर हमें ये बताना हो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो जब हम लिमिट अप्लाई करें किसी फंक्शन पे, लिमिट ए एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू एल, और वो नंबर जो है वो फाइनाइट नंबर हो, अगर वो फाइनाइट नंबर है तो वो सीक्वेंस जो बनेगी वो सीक्वेंस बनेगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसमें उसके बाद है डाइवर्जेंट सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस को कहा जाता है जिसमें हम नेचुरल नंबर जब अप्लाई करते हैं सीक्वेंस में या जनरल फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस में, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है इंफिनिटी। अगर मेरे पास मैं अप्लाई करूं वैल्यूज और वैल्यू अप्लाई करने के बाद या तो ग्राफ ऐसे चला जाए और हमें उस वैल्यू का पता ना हो कि उसका आंसर क्या है, या फिर डाउनवर्ड आ जाता है और वो इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी तक जाए या फिर प्लस इन्फिनिटी तक, तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस में जैसे हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस में कहा कि हमें जो नंबर मिलता है वो फाइनाइट नंबर मिलता है, लेकिन जब डाइवर्जेंट सीक्वेंस हम सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, हमें पता है कि सीक्वेंस में हम लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं ए एन, तो हमें आंसर जो है वो प्लस या माइनस इन्फिनिटी अगर हमें मिले तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और इसके बाद है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो उस सीक्वेंस को कहा जाता है कि अगर हमारे पास प्रीसीडिंग टर्म से सक्सेसिव टर्म जो है वो ग्रेटर मिले, और नेक्स्ट प्रीसीडिंग से नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म जो मिले वो उससे ग्रेटर हो, तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। लेट सपोज हमारे पास ए वन है, ए वन लेस देन ए टू हो, तो यहां पे ए टू इज ग्रेटर देन ए वन है, ए टू लेस देन ए थ्री हो तो ए थ्री ग्रेटर देन ए टू है एंड ए फोर एंड सो ऑन। तो यहां पे हमने देखा ये हमारे पास प्रीसीडिंग टर्म है प्रीसीडिंग, और ये हमारे पास सक्सेसिव टर्म है। तो जब हमने देखा कि सक्सेसिव टर्म जो है प्रीसीडिंग टर्म से ग्रेटर होती है तो उसे हमने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहा। अब मैं यहां पे एक जनरल फॉर्म भी लिखूंगा, लेकिन उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं यहां पे लिखूं ए वन लेस देन ए टू और इस वैल्यू को इससे डिवाइड करूं तो ए वन अपान ए टू लेस देन वन आता है।
अगर रेशो ऑफ प्रीसीडिंग टर्म एंड सक्सेसिव टर्म लेस देन वन आता है या इक्वल टू वन आता है, लेस देन इक्वल टू वन आता है तो उसे हम कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। वो कॉन्सेप्ट है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस किसे कहा जाता है? इसमें अगर प्रीसीडिंग टर्म ग्रेटर देन सक्सेसिव टर्म हो तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब देखिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में एक चीज तो क्लियर है कि यहां पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो वो मोनोटोनिक है, अदरवाइज वो मोनोटोनिक ही नहीं है। तो यहां पे फिर हम ये वाला कॉन्सेप्ट सेम रिपीट करते हैं कि a1 अपॉन a2, इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दूं तो यहां पे 1 बचेगा, ग्रेटर देन 1 आर इक्वल टू 1, ये अगर फॉर्म बन जाती है तो वो हमारी सीक्वेंस होगी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए यहां पे एक फॉर्म जनरल फॉर्म बनाते हैं कि ए एन लेस देन ए एन प्लस वन। यहां पे ए एन प्लस वन को मैं शो कर रहा हूं कि एन प्लस वन आपके पास है सक्सेसिव टर्म, ये है आपके पास सक्सेसिव टर्म और ये है प्रीसीडिंग टर्म। अगरचे प्रीसीडिंग टर्म से सक्सेसिव टर्म ग्रेटर है तो जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे ए एन लेस देन ए एन प्लस वन, तो ये जनरल फॉर्म बन जाएगी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए। और सिमिलरली अगर यहां पे ए एन प्रीसीडिंग टर्म को मैं शो करता हूं ए एन ग्रेटर देन ए एन प्लस वन हो तो ये जो फॉर्म हमारे पास बनेगी ये फॉर्म बनेगी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए। इसमें हमने देखा कि प्रीसीडिंग टर्म जो है वो ग्रेटर देन है सक्सेसिव टर्म, और यहां पे प्रीसीडिंग टर्म लेस देन सक्सेसिव टर्म है तो उसे हम कहेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और इसे कहेंगे हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। लेकिन इन दोनों के लिए एक चीज कॉन्स्टेंट है कि आइदर फॉर मोनोटोनिक फॉर मोनोटोनिक आइदर टर्म increases or decreases. If it is constant, अगर ये constant रही तो then sequence is not monotonic. हमने शॉर्ट एक्सप्लेन मैंने आपको किया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। अब उसके बाद जो है हम 1.4 एक्सरसाइज पे आते हैं, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स हमने 1.3 में भी सिंप्लीफाई किए हुए हैं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट ऑफ सीक्वेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको दो पॉइंट्स दो ट्रिक बताई थी, जिसे हम कहते हैं कि हायर पावर ऑफ द वेरिएबल कॉमन लेते हैं या फिर फैक्टर्स पे चले जाते हैं ताकि हमें आंसर जो है वो इन्फिनिटी नहीं मिले। अब इससे सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन नंबर वन जो है, सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि सीक्वेंस से डील कर रहे हैं, ए एन इजिकल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन 2 raised to the power n। लेफ्ट हैंड साइड हमने सेम लिखी लिमिट n tends to infinity a n is equals to। अब देखें ये ऐसा क्वेश्चन है जिसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो फर्दर सिंप्लीफाई करने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। इसमें डायरेक्टली लिमिट हमने 1.3 में भी से किया था कि जिस क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई करते हैं और आंसर इंफिनिटी नहीं आता तो हम वहां पे
डायरेक्टली ही अप्लाई करेंगे तो लिमिट, जब मैंने अप्लाई की तो 1/2 raised to the power infinity, और किसी भी कांस्टेंट के ऊपर पावर अगर इन्फिनिटी होता है तो हम उसे इन्फिनिटी के ऊपर लगते हैं, अगर लिमिट हमारे पास n टेंस टू इन्फिनिटी हो तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू 1/∞, और जब किसी वैल्यू को इन्फिनिटी डिवाइड करें तो वो आंसर मिलता है हमें 0, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू 0, ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहां पे 3 raised to the power n - 1/3 raised to the power n। इस वजह से जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पे इन्फिनिटी माइनस वन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी, तो हमें आंसर मिलता है इन्फिनिटी, इसीलिए हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए या तो आप 3 raised to the power n कॉमन निकालें दोनों वैल्यू से, न्यूमिरेटर से और डिनोमिनेटर से, या फिर आप क्या करें, ये डिनोमिनेटर इस वैल्यू को भी डिवाइड कर रहा है और 1 को भी डिवाइड कर रहा है, तो आप सेपरेटली पहले इन्हें डिवाइड करें। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 raised to the power n - 1/3 raised to the power n माइनस 1/3 raised to the power n। अब ये वैल्यू इससे कैंसिल कर दी तो 1 आ जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/3 raised to the power n। अब हम अप्लाई करते हैं लिमिट, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली फॉर्म नहीं लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/3 raised to the power infinity। यही सेम पार्ट हमने यहाँ पे 2 में किया है, 1/2 raised to the power infinity इक्वल था 1/∞ के, तो यहाँ पे भी 1 - 1/∞ आ जाएगा, और 1 को जब इन्फिनिटी डिवाइड करता है तो आंसर आता है 0, 1 - 0, और 1 - 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, a n इज इक्वल टू 5 raised to the power n + 5/5 raised to the power n + 1। इसे भी हम दोनों मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर मैं न्यूमिरेटर से 5 raised to the power n कॉमन निकालूं तो यहाँ पे बचेगा 1 + 5/5 raised to the power n, और यहाँ से 5 power n में अगर कॉमन निकालता हूँ तो 1 + 1/5 power n बचेगा। उसके बाद 5 power n न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर देंगे, या फिर आप क्या करें कि इसे सिंप्लीफाई करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे 5 raised to the power n + 1+4, इस 5 को मैंने ब्रेक कर दिया 1+4 में, तो 1+4 होता है 5 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power n + 1। अब टर्म हमने ब्रेक कर दी, अब देखो ये डिनोमिनेटर 5 raised to the power n + 1 इस वैल्यू को भी डिवाइड करता है, इस कंप्लीट वैल्यू को भी डिवाइड करता है और 4 को भी डिवाइड करता है, तो हम सेपरेटली इसे डिवाइड कर देंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5 raised to the power n + 1 - 5 raised to the power n + 1 + 4 - 5 raised to the power n + 1। देखें ये वाली वैल्यू सेम है, इन दोनों को हमने कैंसिल किया तो बाकी हमारे पास बचा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे 1 + 4/5 raised to the power n + 1। अब अप्लाई करते हैं लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 + 4/5 का power infinity अगर होगा तो infinity + 1। अब infinity + 1 जो है इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो 4/∞, 1 + 4/∞,
और इन्फिनिटी जब किसी भी टर्म को डिवाइड करे तो आंसर मिलता है जीरो, तो यहाँ पे वन प्लस जीरो इज इक्वल्स टू वन, दैट्स इट। नंबर फोर एंड सिक्स, फाइव इसीलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि जब आप फोर क्वेश्चन को और सिक्स क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो एज इट इज सेम मेथड से सिंप्लीफाई होता है। तो जब हमारे पास जनरल फॉर्म गिवन है तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्स्टेंट लिमिट है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन n रेस टू द पावर n इज इक्वल टू e के इक्वल होती है, यह हमें माइंड में रखनी है। अब इससे यूज करने के लिए यहां पे याद रखें कि वन अपॉन n है, तो जब इसका पावर रखेंगे तो इसके रेसिप्रोकल होगा। अगर यहाँ पे 3 अपॉन n है तो हम लिखेंगे n अपॉन 3, यहाँ पे 5 अपॉन n है तो हम लिखेंगे n अपॉन 5, अगर यहाँ पे 7 अपॉन n है तो हम लिखेंगे n अपॉन 7, तभी जाके ये e के इक्वल होगा। यहाँ पे लिखे हैं लिमिट सॉल्यूशन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a n इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 3 अपॉन n रेस टू द पावर 5 n। अब इसे देखते हुए आप इसे रीअरेंज करें, जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और यहाँ पे 1 प्लस 3 अपॉन n, यहाँ पे मैंने n लिखा और ये 5 मैंने बाहर निकाल दिया इधर। अब देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन n है तो यहां पे n अपॉन 1 होगा, यहां पे 3 अपॉन n है तो यहां पे पावर होना चाहिए n अपॉन 3, अगर n अपॉन 3 होगा तो हम इसे लिखेंगे e के इक्वल। तो हमारे पास यहां पे डिवीजन में 3 नहीं है, पावर में डिवाइड 3 नहीं कर रहा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे इसे ताकि हमें फॉर्म मिल जाए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 3 अपॉन n, यहाँ पे n अपॉन 3 मैंने लिखा, 3 मैंने डिवाइड किया है तो इसे बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई भी करूंगा ताकि मैं कैंसिल करूँ तो वापस क्वेश्चन पे पहुंच जाऊं। अब ये देखें ये जो फॉर्म बनी है यहां से लेके यहां तक ये किसके इक्वल है, e के इक्वल है, तो हम अप्लाई करेंगे लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, जब हमने लिमिट अप्लाई की तो ये पूरा पूरी जो फॉर्म है ये e के इक्वल आ जाएगी और जब मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वल आ जाएगा 15 के, तो e रेज टू द पावर 15 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में जब हम लिमिट लिखेंगे यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू द पावर माइनस 7 है। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली जो हमें लिमिट गिवन है वो 1 प्लस 1 अपॉन n है, तो यहाँ पे भी 1 प्लस 1 अपॉन n है, तो पावर में क्या होना चाहिए था, पावर में n, यहाँ पे है माइनस 7, तो माइनस 7 जो मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n रेस टू द पावर n और बाकी जो एक्स्ट्रा है माइनस 7, अगेन अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 7 n बन जाएगा। अब ये फॉर्म e के इक्वल है, अप्लाई की लिमिट हमने अप्लाइंग लिमिट, तो ये बन जाएगा e और यहाँ पे माइनस 7 और ये बन जाएगा e रेज टू द पावर माइनस 7 या फिर 1 अपॉन e रेज टू द पावर 7 लिखेंगे इसे, दैट्स इट। स्टूडेंट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूव करने के बाद हमें ये प्रूव करना है कि जब हम इस फंक्शन में लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अप्लाई करें a n प्लस 1 में और यहाँ पे भी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी रेडिकल 1 प्लस a n में अप्लाई करें तो ये इक्वल आनी चाहिए l स्क्वायर माइनस l माइनस 1 इक्वल टू 0 के। तो ये लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म जब हमने कन्वर्जेंस सीक्वेंस में देखा था कि जब इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो वो किसी
नंबर को अप्रोच करती है वो नंबर हमने लिखा था एन, तो यहाँ पे हमने लिखा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस वन इजिकल्स टू, और वन पे लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वन प्लस लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी और यहाँ पे ए एन। अब ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एन के इक्वल, किसी नंबर को अप्रोच करेंगे और यहाँ पे वन प्लस लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन इजिकल्स टू एल, तो ये किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की तो एल स्क्वायर इजिकल्स टू वन प्लस एल, और एल स्क्वायर माइनस एल माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब हमें प्रूव करना है कि ये बाउंडेड है या नहीं, तो बाउंडेड होने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एल स्क्वायर माइनस एल माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल्स टू जीरो की फॉर्म में, तो ए की वैल्यू बन जाएगी वन, बी इजिकल्स टू माइनस वन, सी इजिकल्स टू अगेन माइनस वन। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए, ये वैल्यू लाके इसमें अप्लाई करें, एल इजिकल्स टू माइनस माइनस वन प्लस माइनस रेडिकल माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर ए इजिकल्स टू वन एंड सी इजिकल्स टू माइनस वन अपान टू ए इक्वल टू वन। इसे सिंप्लीफाई किया तो माइनस माइनस प्लस एल इजिकल्स टू प्लस वन प्लस माइनस, और माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस फोर अपान टू, एल इजिकल्स टू वन प्लस माइनस रेडिकल फाइव अपान टू। अब देखा हमने कि ये बाउंडेड भी है दो वैल्यूज के बीच में, वन प्लस अंडर रूट फाइव अपान टू एंड वन माइनस अंडर रूट फाइव अपान टू, तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। एक तो हमें प्रूव करना था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या नहीं है और बाउंडेड है या नहीं है, और ये वाली स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी थी, तो तीनों वैल्यूज हमने प्रूव की, दैट्स इट।